नमस्कार, न्यूज 11 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, सावधान हो जाइए, कोरोना के केस फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। रांची जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या अचानक बढ़नी शुरू हो गई है। गुरुवार को रांची में 16 संक्रमित मिले हैं, धनबाद में 6 नए संक्रमित मिले हैं, गुमला में 5 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसमें 2 स्वास्थ्य कर्मी, 2 स्कूली बच्चे और 1 गर्भवती महिला है। जमशेदपुर में 6 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। तो नवरात्र बाद फिर से कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। राजधानी रांची में मिले हैं 16 नए संक्रमित, जमशेदपुर और धनबाद में भी बढ़े हैं संक्रमित। बताया जा रहा है कि जिसमें 2 स्वास्थ्य कर्मी हैं, 2 स्कूली बच्चे हैं और 1 गर्भवती महिला है। तो अचानक कोरोना की संख्या बढ़ने लगी है, कोरोना के केस बढ़ने लगा है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर चला गया है। राजधानी रांची में मिले हैं 16 नए संक्रमित, जमशेदपुर और धनबाद में भी संक्रमित बढ़े हैं। यानी कि नवरात्र के बाद फिर से कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। जमशेदपुर में 6, गुमला में 5 कोरोना संक्रमित मिले हैं। लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, अभी भी नहीं संभले तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रांची से अंजनी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जमशेदपुर से प्रभात और देवघर से मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजनी, फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, नवरात्र खत्म हुआ और कोरोना का केस बढ़ा। देखिए, ये पहले से ही ऐसा लग रहा था कि पर्व त्यौहार के बाद जो है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। आप यदि रांची का आंकड़ा यदि हम एक हफ्ते का निकालेंगे तो हमें लगता है कि रांची में जो कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं उनकी संख्या दुगनी हुई है। कल देखिए 16 मामले आए हैं और परसों आप देखेंगे तो लगभग 11 मामले थे, उससे पहले देखेंगे तो 11 मामले थे। तो ये लगातार इजाफा हो रहा है और ये बता रहा है कि कोरोना अभी भी हमारे बीच में है। और जहाँ स्कूल और कॉलेज जो है खुल गए हैं तो वैसे में जितना प्रिकॉशन लिया जाएगा उतना बेहतर होगा। भले लोग वैक्सीन ले रहे हैं लेकिन जिस तरह से माहौल बन रहा है, भीड़ भाड़ हो रही है और लोगों की जो लापरवाही है वो आमतौर पर देखने को मिलता भी है। लोग जो है बिना मास्क के घरों से निकलते हैं और कई लोग मास्क लगाते भी हैं तो फिर थोड़ी देर के बाद उतार देते हैं। और कॉलेजों में भीड़ है, स्कूल भी खुल गया है तो वैसे में संक्रमण बढ़ने का जो खतरा है वो ज़्यादा बढ़ गया है। भले हम देखेंगे कि जो कोरोना का जो ग्रोथ रेट है तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं दिखाता है, लेकिन ऐसे आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे तो हमें लगता है रांची और पूर्वी सिंहभूम ये 2 जिले हैं जहां पे कोरोना शुरुआत की भी बात करेंगे तो उस वक्त रांची और पूर्वी सिंहभूम में ज़्यादा होता था। और अभी का 10 दिन का आंकड़ा निकालेंगे तो हमें लगता है कि रांची पूर्वी सिंहभूम जो है कहीं ना कहीं फिर से पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, लोगों को लापरवाह होने की जरूरत नहीं है, लोगों को मास्क पहनने की जरूरत है। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी भी अगर सावधान नहीं हुए तो खतरा और बढ़ सकता है। प्रभात, पिछली बार की अगर बात की जाए तो पहली और दूसरी लहर में रांची और जमशेदपुर सबसे टॉप पर था और इस बार भी यही आशंका जताई जा रही है क्योंकि नवरात्र खत्म हुआ है और कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल अमन, देखिए जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि दुर्गा पूजा नवरात्र के समय में आप सावधान रहें क्योंकि दुर्गा पूजा करने की इजाज़त दी दी गई थी, लेकिन बहुत सारे गाइडलाइन के तहत इजाज़त दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोग थोड़े लापरवाह नजर आए या उसी का नतीजा है कि अब धीरे धीरे पॉजिटिव संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अगर कल की पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो 6000 से ऊपर सैंपल लिए गए थे जिसमें 6 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। और आपने सही कहा कि अगर दूसरी लहर की अगर बात करें तो रांची के बाद सबसे ऊपर रहा है, जब पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा केसेस आए थे, मौतें भी बहुत ज़्यादा हुई थी और इसी के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पहले से अलर्ट जारी रखा था और इसको लेकर कई
बार चेकिंग भी अभियान चलाया गया था, पूरा पूजा के दौरान पूरे पूजा पंडालों में कोरोना टेस्टिंग की जा रही थी, साथ ही साथ वैक्सीनेशन का कार्य भी किया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि लोग लापरवाह जरूर दिखे, तभी जाकर ये जिस तरीके से कल 6 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं लोग थोड़े लापरवाह हो रहे हैं। और आने वाले दिनों में अभी दीपावली है, छठ है, ऐसे में लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है ताकि कोरोना को हम मात दे पाएं। जिस तरीके से पूरा स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है, हर दिन लोगों से अपील करता है, स्वास्थ्य विभाग अपनी मेहनत कर रहा है, लेकिन कहें तो लोग थोड़ी सी लापरवाही बरत रहे हैं, उसी का नतीजा है जो लगातार संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि अगर हम बोले रिकवरी रेट तो पूर्वी सिंहभूम का 97.93 है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूजा के बाद से फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है, ये खतरे की घंटी है आने वाले दिनों के लिए। इसलिए देखिए, कल देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिए हैं, लेकिन अभी भी हमें चेहरे से मास्क नहीं उतारना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा था कि चेहरे से मास्क नहीं उतारना और सामाजिक दूरी बना के रखना है, क्योंकि कोरोना हमारे बीच से ख़त्म नहीं हुआ, हमारे बीच में अभी भी कोरोना है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और ऐसे में सारे चीज़ों को खोल दिया गया, चाहे वो बाज़ार की बात करें, मॉल की बात करें, रेस्टोरेंट की बात करें, स्कूल की बात करें, सारी चीज़ें खुल गए हैं, इसमें और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर आने वाले अगर हम 100 दिन और सावधानी बरतेंगे तो निश्चित है आने जी बिल्कुल प्रभात है, क्योंकि अभी आने वाला 100 दिन यानी कि नवरात्र के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट किया है कि आने वाला 100 दिन जो रहेगा वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। मनीष, देवघर की अगर स्थिति की बात की जाए तो देवघर में क्या केसेस हैं अभी? देखिए अमन, अगर हम पिछले आंकड़ों की बात करें तो पूरे कोरोना काल में 361 मौत हुई है पूरे प्रमंडल में, देवघर की नहीं, पूरे प्रमंडल में। अगर हम जिलावार देखें तो देवघर में 114 था, गोड्डा में 86 था, 86 था, और उसके बाद तीसरे नंबर पे जामताड़ा रहा जहाँ पे 60 रहा है, दुमका में 47, साहेबगंज में 42, पाकुड़ में सबसे कम 12 लोग की मौतें हुई हैं। और पूरे प्रमंडल में हम देखें तो सबसे ज़्यादा अगर कुछ वल्नरेबल रहा तो देवघर रहा, क्योंकि देवघर तीर्थ यात्रा जगह भी है और यहाँ आसपास के राज्य से और जिले से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं, ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं। अगर हम इस बार की बात करें, पूजा के बाद जो टेस्ट हुए हैं, जिनकी रिपोर्टें आई हैं, तो आज के डेट में सिर्फ एक ही केस पॉजिटिव है। यही नहीं बल्कि दुमका में भी 2 दिन पहले एक ही केस आया था और कल वो भी रिलीज कर दिया गया, गोड्डा में भी एक केस आए थे। तो मुझे लगता है कि देवघर और साथ साथ में संताल परगना प्रमंडल जो है उसमें जो अभी जो केसेस हैं वो काफ़ी कम है, लेकिन ये जो रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं, ये दुर्गा पूजा के बाद जितनी भी टेस्टें हुई हैं, सारी रिपोर्टें अभी नहीं आई हैं, क्योंकि यहाँ से रिपोर्ट के लिए बाहर जाना होता है। मुझे लगता है कि 2-3 दिन के अंदर, या फिर हम कहें कि 4 से 5 दिन के अंदर तस्वीरें और साफ हो जाएंगी कि कितनी केसेस एक्चुअल में हैं। लेकिन चूंकि हमें संभलना होगा, चूंकि बाबा मंदिर खुल चुका है और वहाँ लोग बाहर से भी आ रहे हैं, आना जाना लगा हुआ है, तो निश्चित तौर पर अभी 2-3 दिन और इस बात के लिए इंतजार करना होगा कि कितने केसेस एक्चुअल में जो तस्वीरें हैं वो क्या है, क्योंकि जो ट्रूनेट से होते हैं कभी कभी उनका रिपोर्ट गलत भी हो जाता है, या तो जो आरटीपीसीआर का जो रिपोर्ट आता है उसे लगने में 2-3 घंटे लग ही जाते हैं। तो अब मुझे लगता है कि 3-4 दिन के बाद ही एक्चुअल रिपोर्ट पूरे प्रमंडल की बात हो जाएगी। जी मनीष, क्योंकि बहुत जरूरी है, अभी अगर लोग सावधान नहीं हुए तो आगे भी मुश्किलें जो हैं और बढ़ जाएगी। अंजनी, 2 स्वास्थ्यकर्मी, 2 स्कूली बच्चे और 1 गर्भवती महिला जो है वो संक्रमित पाए गए हैं, और अभी भी लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं, क्योंकि कल पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि अभी मास्क फ्री नहीं हो सकते हैं, अभी भी मास्क पहनना बहुत जरूरी है। हाँ देखिए, मास्क जो है अभी आने वाले हमें लगता है कि कई वर्षों तक मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बीमारी है, जो कोरोना वायरस जो है, कहीं ना कहीं सांस के माध्यम से अंदर शरीर में प्रवेश करता, और यही वजह है कि मास्क पहनने पर आज से नहीं, शुरुआत से ही तमाम लोगों को बताया जाता है, न्यूज 11 भी लगातार लोगों से अपील करता रहा है कि आप सावधान रहें, क्योंकि कोरोना अभी भी हमारे बीच में है, हमारी लापरवाही हम कोरोना के गिरफ्त में आ जाएंगे। देखिए, रांची में जो मामले हैं अमन, अभी 87 एक्टिव मामले रांची में हैं, तो आप समझिए कि 87 लोग अभी हॉस्पिटलाइज हैं, अपना इलाज करा रहे हैं, तो कोरोना कहीं ना कहीं फैल रहा है और स्कूली बच्चे पीड़ित हो रहे हैं, गर्भवती महिलाएं पीड़ित हो रही हैं, तो आप समझिए जो स्कूली बच्चे पीड़ित हो रहे हैं और स्कूल भी खुल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे स्कूल से निकल कर इधर उधर घूम रहे हैं, कहीं फुचका खा रहे हैं, कहीं चाउमीन खा रहे हैं,
तो ये लापरवाही की वजह से भी ऐसी चीजें हो रही हैं। तो हमें लगता है कि स्कूल प्रबंधन जो है स्कूल के कैंपस तक ही बच्चों पर ध्यान देगा, लेकिन स्कूल के गेट के बाहर बच्चों को खुद समझना होगा, बच्चे के अभिभावक को खुद समझना होगा, तभी इन चीज़ों से बचा जा सकता है। क्योंकि थोड़ी भी लापरवाही भीड़ भाड़ से में लोग जाएंगे, कोई भी एक कोरोना संक्रमित है कई लोगों को कर सकता है। यही वजह अभी देखिए आने वाले समय में दीपावली है, आने वाले समय में छठ महापर्व है, तो यही वजह कि सरकार ने पहले ही कहा है कि आने वाला जो 100 दिन है वो हमारे लिए बहुत एक खतरे की घंटी हो सकता है, हमें बचने की जरूरत है। तीसरी लहर की बात हो रही है और राज्य के हर जिले में तीसरी लहर से लड़ने की पूरी तैयारी कर ली गई है, तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल, क्योंकि तीसरी लहर की सिर्फ अंजलि अभी आशंका जताई जा रही है, अभी सिर्फ आशंका जताई जा रही है, लेकिन अगर हम सावधानी नहीं बरतें तो सच में कहीं ऐसा ना हो कि ये सच साबित हो जाए। प्रभात, स्कूली बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं और अभी छोटे बच्चों की वैक्सीन भी नहीं आई है। सरकार कह रही है अपनी तरफ से कि बहुत जल्दी ही छोटे बच्चों की वैक्सीन जो है वो जारी कर दिया जाएगा और बच्चों को वैक्सीन लगेगा, लेकिन स्कूली प्रबंधन की तरफ से क्या किया जाए? बिल्कुल अमन, देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो दूसरी लहर आई थी उस वक्त भी, जब दूसरी लहर से पहले बहुत सारे स्कूल को खोल दिया गया था, जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो उस वक्त भी 2 स्कूल के 11 बच्चे पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद स्कूल का पूरा जितने स्टूडेंट थे उसके चेकअप किया गया था, उसके बाद उनको स्कूल को बंद कर दिया गया था। और अभी भी अगर हम कहें तो सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी बनता है स्कूल प्रबंधन का। देखिए बच्चे थोड़े चंचल होते हैं, अगर स्कूल प्रबंधन थोड़ी सी कड़ाई अगर करता है, अगर बिना मास्क के छात्रों को नहीं बैठने देगा, बिना सोशल डिस्टेंसिंग अगर क्लासेस में नहीं बैठने देंगे, तो निश्चित है बच्चों को, स्कूली बच्चों को हम बचा सकते हैं। तो आज के डेट में अगर कहें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्कूल प्रबंधन को अपनी समझदारी दिखाने के साथ ही साथ जो पेरेंट्स है, पेरेंट कितने अपने बच्चों को सुरक्षित रखने में गाइडलाइन बताते हैं, कितने सुरक्षित रखने को लेकर उनको सलाह देते हैं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि क्योंकि इस प्रबंधन और स्कूल प्रबंधन और गार्जियन ये दो लोग ही सबसे ज़्यादा जिम्मेवार होंगे अगर बच्चे अगर पॉजिटिव होते हैं, तो इन लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। क्योंकि मैं पहले ही बताया कि बच्चे थोड़े चंचल होते, हो सकता है कि क्लासरूम में जाने से पहले मास्क उतार दें, तो ये नहीं होना चाहिए। स्कूल प्रबंधन को यह तय कर देना होगा कि जो भी स्कूल में बच्चे आएंगे विदाउट मास्क आप क्लासरूम में नहीं बैठेंगे, और ये कई स्कूलों ने कर रखा है। तो ये स्थिति अगर रहेगी तो हम निश्चित है बच्चों को बचा सकते हैं। पूर्वी सिंहभूम में अगर हम कहें अमन जी, तो अभी भी जो जितने भी नाके हैं पूर्वी सिंहभूम के, जितने भी नाके हैं चाहे वो पटमदा की कहें, बहरागोड़ा को कहें, या फिर पोटका के जो तिरिंग गेट है, वहाँ अभी भी टेस्टिंग की जा रही है, जो बाहर से आ रहे हैं उनका टेस्टिंग किया जा रहा है। साथ ही साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन में भी चेकिंग किया जा रहा है। कल जब मैं स्टेशन गया था तो लगातार वहाँ पे 3-3, 4-4 काउंटर बनाए गए थे, और जो लोग बाहर से आ रहे हैं तो उनको अगर वो वैक्सीनेट हो गए, डबल डोज ले लिए, उसके बाद भी उनकी चेकिंग किया जा रहा है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि अगर वैक्सीनेट हो गए तो आपको कोरोना नहीं होगा, कोरोना होगा लेकिन आपकी जान की खतरा नहीं बनेगा, ये पहले से भी विशेषज्ञ बता रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में अभी सबसे ज्यादा 100 दिनों तक अगर आप सावधानी बरतेंगे, चेहरे पे मास्क नहीं उतारेंगे, बाजार जा रहे हैं तो इसकी सावधानी बरतेंगे। हम याद दिलाना चाहते हैं जब पहली लहर और दूसरी लहर जब आई थी तो हम लोग बाजार जाते थे, तो बाजार से जब वापस आते थे हमन, तो घर के पहले रूम में घुसने से पहले सारे कपड़े को हम लोग उतार देते थे और अपने आप को सैनिटाइज करते। अगर वही चीज अगर अभी भी हम अगर अपनाते हैं तो निश्चित है तो घर के जो फैमिली मेंबर है चाहे बच्चे को हम कोरोना होने से बचा सकते हैं और अपने भी बच सकते हैं। अगर हम बाजार जा रहे हैं तो चेहरे से मास्क नहीं उतारे, ग्लव्स लगाएं, सैनिटाइजर का यूज करें, सामाजिक दूरी का पालन करें। और हर दिन न्यूज 11 भारत हर कार्यक्रम में जब भी कोरोना अपडेट दिखाया जाता है तो लोगों से अपील करता है, क्योंकि हम लोग भी जब कोरोना से रिलेटेड जब कवरेज करने जाते हैं तो हमने ना चेहरे से मास्क उतारते हैं, पॉकेट में सैनिटाइजर रखते हैं, ताकि हम अपने हम तो बचेंगे तो साथ ही साथ हम अपने परिवार। अगर आप मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करेंगे तो आप कभी भी संक्रमित हो सकते हैं। हमारे साथ सिमडेगा से आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, अगर सिमडेगा की बात की जाए तो कितने केसेस निकले हैं सिमडेगा में अभी? आए हैं, लेकिन सिमडेगा के पड़ोसी जिला में गुमला में जिस तरह से कोरोना विस्फोट हुआ है उसको लेकर सिमडेगा में भी सतर्कता बहुत जरूरी है। और अभी यहाँ हॉकी का महाकुंभ चल रहा है, विभिन्न राज्यों से खिलाड़ी आए हुए हैं, हालांकि यहाँ दर्शकों का अभी अनुमति नहीं दिया गया है, लेकिन भी यहाँ जिस तरह से बाहर से खिलाड़ी आए हुए हैं और यहाँ जिस तरह से भीड़ लग रही है उसमें कोरोना के प्रति लोगों को सचेत होने की आवश्यकता है, मास्क लगाने की जरूरत है और या सैनिटाइजर का उपयोग करने की आवश्यकता। आप देख सकते हैं मैदान में जितने भी लोग बैठे हुए हैं
किसी के चेहरे में मास्क आपको दिखेगी नहीं, तो ये कहीं ना कहीं से कोरोना के प्रति लापरवाही है जो कि तीसरी लहर को आमंत्रित कर रही है। इसी एस्ट्रोटर्फ से पिछली बार याद होगा कि इसी एस्ट्रोटर्फ मैदान से सिमडेगा में दूसरी लहर की शुरुआत हुई थी, कोरोना विस्फोट इसी एस्ट्रोटर्फ में हुआ था जब चंडीगढ़ की टीम आई थी और एक साथ यहाँ 23 खिलाड़ियों पॉजिटिव हुए थे और उसके बाद सिमडेगा में संक्रमण बहुत तेजी से फैला था। तो इस बार भी जब हॉकी का महाकुंभ हो रहा है तो यहाँ कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है, सचेत होने की आवश्यकता है और सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें। लेकिन अभी तक यहाँ इस तरह की कोई भी सचेत दिख नहीं रही है, लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ पर कोई भी खिलाड़ी नहीं लगाए हुए हैं, मास्क नहीं लगाए हुए हैं। तो अब हमारे साथ मनीष जुड़े हुए हैं। मनीष, जिस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है, लोग सजगता नहीं देख रहे, लोगों में सजगता नहीं दिख रही है, सावधानी नहीं दिख रही है, और देवघर तो सब पर्यटन स्थल है, लेकिन वहां की अगर बात की जाए तो क्या लोग मास्क लगे हुए दिखाई देते हैं? नहीं, देखिए अभी हाल में जब पूजा के दौरान हम लोग लाइव कवरेज कर रहे थे तो कई तस्वीरें देखने को मिली, कई पंडालों से हम लोग गुजरे वहाँ खड़े होकर लाइव किए, बहुत कम ही ऐसे चेहरे थे, बहुत कम ही ऐसे परिवार थे जो पूरे सदस्य मास्क लगाए हुए थे, यहाँ तक कि छोटे बच्चे, जबकि सरकार ने साफ गाइडलाइन में कहा था कि बच्चे पंडाल तक नहीं आएंगे, लेकिन इस तरह की कहीं कोई तस्वीरें नहीं देखने की मिली कि अगर बच्चा आ भी गया है अपने माता पिता के साथ तो वो पंडाल से दूर खड़ा हो या घर का कोई सदस्य उसे लेकर के थोड़ी दूरी बना करके खड़ा हो, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल बिंदास शब्द हम कहेंगे, बिंदास होकर के लोग घूम रहे थे और घूमे भी, सभी जगह भीड़ उसी तरह की थी। हालात ये थे कि कई ऐसे परिवार जो दूर से ही देख के वहाँ से निकल लिए, नहीं गए, लेकिन मास्क जो था लोग वो लोग मास्क नहीं लगाए थे, यानी कि बहुतायत ऐसे थे, आबादी ऐसी ज्यादा थी लोगों की जो कि मास्क नहीं लगाए थे, तो ये लापरवाही तो दिख ही रही है। और देखिए हम चर्चा में ये भी बच्चों को लेकर के बात हो रही थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा धर्म संकट है, कई अभिभावक ऐसे हैं जो अपने बच्चों को अभी भी स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, और दूसरी ओर कई ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दिया और ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दिया है। तो सबसे ज्यादा अगर कोई धर्म संकट की स्थिति बनी हुई है तो बच्चों के लिए, युवाओं को बना हुआ है, क्योंकि अभी भी कोई ठोस कारगर कोई उपाय वहाँ नहीं देख रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। लोग बिंदास हो गए हैं, स्कूल जा रहे हैं, लेकिन उस सख्ती के साथ नहीं ये हो रहा है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का मेंटेन करें। बाजारों में भी नहीं दिख रहे हैं उस तरह के हालात, लोगों को लग रहा है कि जो हमने वैक्सीनेशन ले लिया है तो ये कवच कुंडल हमने पहन ली है, अब हमें कुछ नहीं होगा, जबकि सच्चाई यही है कि वैक्सीनेशन से आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, आप संक्रमित नहीं होंगे ये बात नहीं होती है, होती कि आपकी इम्यूनिटी शक्ति जो है वो बढ़ जाती है, अगर आप संक्रमित होते भी तो आप जल्दी से आप रिकवर कर लेंगे, बहुत ज्यादा आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पॉजिटिव नहीं होंगे या फिर आप संक्रमित नहीं होंगे। तो ये सोच थोड़ी सी जरूर लोगों को बदलाव, ये जब समझ होगी निश्चित तौर पर लोग अभी भी मास्क पहनेंगे। अभी जी बिल्कुल, क्योंकि अगर सावधानी नहीं बरतेंगे, सैनिटाइजर यूज नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे चेहरे पर, तो संक्रमित की जो संख्या है उसमें वृद्धि तो देखने को जरूर ही मिलेगी, और अभी भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि नवरात्र जैसे खत्म हुआ है देखिए सभी जगह कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं, अंजनी लोग सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि लोग सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर, मास्क, ये सारी चीजों का, यानी कि कोविड प्रोटोकॉल जो है उसको फॉलो करें, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं, तो क्या जागरूकता की कमी अभी भी देखी जा रही है लोगों के अंदर? देखिए इसे हम जागरूकता की कमी नहीं कहेंगे अमन, इसे हम सीधे तौर पे लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि यदि आप मास्क नहीं पहन रहे हैं, फाइन कट रहा है, न्यूज 11 भी लगातार हर खबर में ये बताता है कि मास्क पहने, प्रशासन बता रहा है, अखबारों में खबरें आ रही हैं कि मामला बढ़ रहा है, तो ये लापरवाही कहेंगे, ये जागरूकता की कमी नहीं है, ये अब जिन लोगों ने वैक्सीन ले लिया है अब उन्हें लगता है कि कोरोना नहीं होगा। वैक्सीन लेने का मतलब ये नहीं है कि अब आप तो आज़ादी मिल गई है, आज़ादी नहीं मिली है आपको, और प्रिकॉशन लेना है और लोगों को जागरूक करना है कि कोई यदि वैक्सीन नहीं लिया है तो उसे आप प्रेरित करें कि वैक्सीन लें और मास्क पहने, और हर कोई की एक जिम्मेदारी है, तभी हम इन चीजों से लड़ सकते हैं। फाइन कट रहे हैं और लगातार बताया जा रहा है, उसके बाद भी आप देखेंगे कि लोग जो है मास्क नहीं पहन रहे हैं, हमारे पीछे कई लोग दिखेंगे जो बिना मास्क ही
शहर में घूम रहे हैं या सब्जी लेने जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये जन जागरूकता की कमी नहीं है, ये कहीं ना कहीं लापरवाही है, अनदेखी है। और जब ऐसे लोग बीमार पड़ते हैं तो कई लोगों को पीड़ित कर जाते हैं। अभी देखिए आने वाले समय में स्कूल खोलने की बात हो रही है अमन, तो हमें लगता है कि सरकार को एक बार वेट एंड वॉच में रहना चाहिए, क्योंकि अभी कई क्लासेस तो खुल गए हैं लेकिन और जो स्कूल क्लासेस खोलने की बात है तो सरकार को एक बार गहन मंथन करना चाहिए, क्योंकि जो पीड़ित है उसमें स्कूल के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ सकती है। और जब छोटे बच्चे पीड़ित होंगे तो कहीं ना कहीं अभिभावक परेशान होंगे, तो एक स्कूल की भी परेशानी बढ़ेगी। तो हमें लगता है कि साफ तौर से सभी स्कूल के जो शिक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं, अभिभावक हैं, उन तमाम लोगों को सजग रहने की जरूरत है और बताते रहने की जरूरत है। ऐसे अमूमन अल्फाकों को भी सजग रहने की जरूरत है, आम लोगों को भी सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि हम और आप जैसे लोग ही कहीं ना कहीं कोरोना को बढ़ावा दे रहे हैं, उस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि दूसरी लहर जैसे खत्म हुई उसके बाद ये देखने को मिला कि कोरोना की संक्रमण की जो संख्या थी वो घटती हुई नजर आ रही थी, प्रभात संक्रमण की संख्या घटती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब फिर से वो रफ्तार पकड़ने लगी है। और जो रफ्तार रुकी हुई थी, जो थम गई थी, थोड़ी सी थमी थी, लेकिन हम और आप जैसे लोग ही इसको बढ़ावा दिए हैं। बिल्कुल अमन, देखिए जो आम आदमी है, जो हम और आप जैसे लोग हैं, जो बाजारों में जा रहे हैं या फिर काम करने जा रहे हैं, उन लोगों की कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पूरी लापरवाही है। देखिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन आपके पीछे पीछे नहीं घूमेगा, आपको तय करना है कि हमें इस बीमारी से किस तरीके से बचना है। लोग के दिमाग में बैठ गया कि मैंने टीका ले लिया है तो मुझे कुछ दोबारा नहीं होगा। टीका लेने के बाद, वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, ये जरूर है कि कोरोना पॉजिटिव की जो डेथ रेशियो है वो कम हो जाएगी, आपका डेथ रेशियो कम हो जाएगा वैक्सीन लेने में। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी आप कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, तो ऐसे में अभी भी 100 दिन आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जो लोग घर से काम करने बाहर जा रहे हैं या फिर सब्जी बाजार जा रहे हैं या राशन की दुकान पे जा रहे हैं, तो ऐसे में लोग कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही नजर आ रहे हैं। उसी का नतीजा है कि पूजा के बाद जो प्रशासन ने, जो राज्य सरकार ने कहा था कि हो सकता है कि कोरोना विस्फोट हो, कोरोना की संख्या में बढ़ोतरी हो, और वो देखा भी जा रहा है। इसीलिए दीपावली और छठ तक प्रशासन को थोड़ी सी और कड़ाई करने की जरूरत है। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से कड़ाई करता है, लेकिन आम आदमी को समझदारी दिखाने की जरूरत है, लापरवाही नहीं बरतने की जरूरत है। चेहरे से अगर आप मास्क नहीं उतारेंगे तो आप तीसरी लहर को जी प्रभात, तो यानी कहा जाए जो त्योहारों में थोड़ी सी छूट मिली थी उस पर फिर से कड़ाई करनी चाहिए। मनीष क्या लगता है, क्या अगर जो छूट मिली थी तो सरकार फिर से कड़ाई करेगी, तभी जाकर के लोग सुधरेंगे, तभी वो मास्क लगाएंगे? देखिए हमारी मानसिकता रही है, आप देखेंगे कि हम कतार में खड़ा होना पसंद नहीं करते हैं। हम जब टिकट कटाने चलते हैं रेलवे स्टेशन पर, कुछ ऐसे लोग आते हैं जो बाएं से आकर के लगा के चलेंगे। एक समय था कि सिनेमा हॉल में टिकट कटाने के लिए मारपीट होती थी, आज हर दिन चौक चौराहे पर आप देखेंगे कि मोटरसाइकिल और हेलमेट और कागज की चेक होती अभियान चलाया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हर दिन सैकड़ों की संख्या में बाइकर्स दिखते हैं जिनके पास हेलमेट नहीं होता है, जिनके पास कागजात नहीं होते हैं। तो ये हमारी मानसिकता है कि हम तैयार नहीं होते हैं, हम रूल रेगुलेशन को मानना नहीं चाहते, हम गाइडलाइन को मानते नहीं, ये हमारी मानसिकता है। अब रही बात सख्ती की बात, चूंकि दुर्गा पूजा हुआ है, अब इसके बाद एक छठ बड़ा महापर्व है, अब सरकार इस पर निर्णय लेगी, लेकिन लोगों को सचेत होना पड़ेगा। नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर तीसरी लहर जिसकी आशंका जताई जा रही है वो हम दस्तक भी दे रही है, हो सकता है कि हम उसके चपेटे में आ जाए। लेकिन जरूरत इस बात की है कि सरकार कितना भी गाइडलाइन जारी करे, जिला प्रशासन हर चौक चौराहे पर नहीं खड़ा हो सकती है। जरूरत इस बात की है कि हमको खुद सजग होना, ये हमारी जिम्मेदारी होगी जी मनीष, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल है कि हम सजग रहें, सावधान रहें, तभी कोरोना पर रोक लग सकती है। मनीष, प्रभात, अंजनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए सावधान हो जाइए, अभी भी समय है, अभी समय गुजरा नहीं है, सावधान हो जाइए। और कोरोना को हम मात दे सकते हैं, हम कोरोना को हरा सकते हैं, लेकिन कब? जब हम सामाजिक दूरी का पालन करेंगे, हम मास्क लगाएंगे, हम सैनिटाइजर यूज करेंगे, तभी कोरोना पर लगाम लगाया जा सकता है। तो सावधान रहिए और सजग रहिए। न्यूज 11 भारत भी सभी लोगों से यही अपील करता है कि आप सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर और मास्क जरूर लगाएं, तभी घर से बाहर निकलें। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।